बैंक में चोरी करने वाले अज्ञात व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायगढ़ जिला के लेलुंगा पीएनबी बैंक के पीछे दीवार में सेंध मारकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर शाखा प्रबंधक निर्मल कच्छ ने लेलुंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध 457-380 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना टीम को पुलिस अधीक्षक संतोष जी, एडिशनल SP संतोष वर्मा द्वारा दिशा निर्देशित किया जाता रहा। थाना प्रभारी AP पटेल द्वारा मुखबिर लगाई गई। मुखबिर से जानकारी मिली कि 24 मई को रात योगेश प्रधान पिता अंजनी प्रधान नामक 22 वर्षीय युवक जो बैंक के पीछे में देखा गया था, संदेही के मोबाइल कॉल का डिटेल निकाली गई। अंततः घटना का मास्टरमाइंड योगेश प्रधान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी के पास से सिक्के का थैला बरामद किया गया। आरोपी बैंक से केवल सिक्कों का थैला ही चुरा सका था, जिसमें केवल 7,500 रुपये ही थे। 7,500 रुपये के चक्कर में आरोपी को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। 3 जून गुरुवार को आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।